मेरे भारतवासी, जाग उठो अब, समझो जानो सच्ची कहानी। नमस्ते, ग्लोरीज ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट में अभी तक मैंने आप लोग को बताया कि किस तरीके से हमारा अतीत छुपा दिया गया है हम लोगों से। 5000 साल के लगातार इतिहास में भारत 4800 साल तक विश्व का सबसे संपन्न, सबसे धनवान और सबसे एडवांस देश था। ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म, कला, संस्कृति, सब कुछ विद्यमान था। और वो लोग इतना डेवलप थे कि हम लोग तो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग का दिमाग इतना संकीर्ण हो गया है कि हम लोग को मैग्नानिमिटी इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं। हमारे जो पूर्वज थे उनको जीवन का मतलब मालूम था, वो उनको जीने की कला मालूम था, उनको मालूम था ये जीवन क्या है, हम लोग कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, ये जन्म, मृत्यु, मृत्यु के बाद आध्यात्मिकता, सारा ज्ञान था। और जो मनुष्य जीवन की असली चीज़ें हैं वो सब उनके पास थी। उनका जीवन सुख, शांति, आनंद, प्रेम से परिपूर्ण था। लेकिन क्या हो गया हमारे इस अतीत को, क्या हो गया, आज हम लोग की क्या हालत है? हम लोग सब के सब अपना जीवन अभाव में जी रहे हैं, कोई सुखी नहीं है। सुख, शांति, आनंद, प्रेम ये हम लोग से दूर सब चले गए हैं। हम लोग के रिलेशनशिप में कोई वैल्यूज़ नहीं रह गई हैं। तो ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये एक बड़ा रहस्यमय सब्जेक्ट है। खैर, इसके बारे में हम लोग बाद में किसी दूसरे एपिसोड में बात करेंगे। आज का सब्जेक्ट ये है कि हम लोग का इतना गौरवशाली अतीत था, इसको हम लोग से छुपाया कैसे गया और क्यों छुपाया गया। तो इसको समझने के लिए मैंने 30 साल रिसर्च किया है और 200 से ज़्यादा इतिहास और इतिहास से रिलेटेड किताबों को स्टडी किया है। और इसमें 200-300 वर्ष पुरानी किताबें हैं जो मैंने इंटरनेशनल लाइब्रेरी से कलेक्ट की हैं। 60 से ज़्यादा देशों में घूमा हूँ, सारे ऐतिहासिक जगहों में गया हूँ, जाके खुद ऑन द ग्राउंड स्टडी किया है, भारत के कोने कोने में घूमा हूँ। हम लोग के जितने ऐतिहासिक मंदिर हैं, किले हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, सब जगह गया हूँ। जीसस क्राइस्ट जो 80 साल भारत में रहा, बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है, तो वो भारत में जहाँ जहाँ गया, जहाँ जहाँ रहा, उन सब जगह में मैं गया। उसकी कब्र श्रीनगर में है, वहाँ भी गया, वहाँ पे भी पूरा स्टडी किया। तो ये सब 30 साल की स्टडी का मेरा जो एसेंस है, जो सारांश है, वो ये है कि यूरोपियंस, पर्टिकुलरली ब्रिटिशर्स, उन लोग का ध्येय था कि भारतीयों को भारतीय संस्कृति से काट, क्योंकि उन लोग को दिखाना था कि यूरोप या वेस्ट ये इंडिया से बहुत डेवलप्ड हैं, तो ये उनको दिखाना था। तो इसके लिए उन्होंने बहुत सारे फैब्रिकेशन किए। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि उन्होंने 7 मेन काम किए, और जिसमें 3 के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियोस में बता दिया गया है। जिन लोगों ने उसको नहीं देखा है उन लोग से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी YouTube चैनल में जाकर के उसको देखें। इस बार हम लोग बात करने वाले हैं चौथे सब्जेक्ट, संस्कृत भाषा। ये दुनिया की सबसे पुरानी ही भाषा नहीं है, ये बहुत समृद्ध भाषा है और दुनिया की जितनी भाषा है चलिए। लेकिन उन लोगों ने क्या बहुत बड़ा बहुत बड़ा अत्याचार किया, तो ये सब उन्होंने कैसे किया। सर विलियम ब्राउन जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एक एम्प्लॉय थे, 1786 में उनको रखा गया कि वो संस्कृत का के ऊपर रिसर्च करें।
उन्होंने रिसर्च किया, वो जो है भाषाविद थे और उनको सारी यूरोपियन भाषा का ज्ञान था, संस्कृत का ज्ञान था। तो उन्होंने ये सब रिसर्च किया, बहुत डीप में रिसर्च किया और 500-500 पन्ने के दो दो वॉल्यूम की किताबें लिखी। और उन किताबों में उन्होंने एकदम अच्छी तरीके से लिखा है कि संस्कृत जो है दूसरी भाषाओं से बहुत उन्नत है। ऐसा है कि जब उसने स्टडी किया तो उसने क्या पाया कि जो दूसरी भाषाएं हैं, लैटिन, ग्रीक, जर्मन, फ्रेंच, इंग्लिश, स्पेनिश, सारी भाषाओं में संस्कृत के शब्द हैं। तो शब्दों की भी लिस्ट खोलिएगा तो मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा। सारी की सारी भाषा जो है संस्कृत से प्रभावित है। तो उसने अपनी पुस्तक में स्वीकार किया है कि इन सारी भाषाओं में संस्कृत बहुत ज़्यादा उन्नत है, उन लोगों से बहुत ज़्यादा उन्नत है। तो उसने संस्कृत को बहुत अच्छा माना है, बहुत ऊँचा स्थान दिया है, लेकिन लास्ट में उसने अपने आकाओं के इशारे पे सारा का सारा मैनिपुलेशन कर दिया, बहुत बड़ा फ्रॉड किया। और उसने क्या बता दिया कि संस्कृत प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज से निकली हुई है। यानी कि उन्होंने क्या समझाया कि संस्कृत, लैटिन, ग्रीक, जर्मन, ये सब भाषाएं जो हैं एक मदर लैंग्वेज से निकली हैं जिसका नाम है इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। हालांकि उस भाषा के प्रमाणिक होने का 1% भी कोई प्रमाणिकता नहीं है, एकदम इमेजिनरी है। लेकिन उसने बता दिया, वो लोग के हाथ में दुनिया थी, आधे से ज़्यादा देशों में वो शासन करते थे। तो उन्होंने ये बता दिया कि संस्कृत इज ए ऑफ सूट ऑफ इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। तो ये करने से क्या हो गया कि आप सोचेंगे कि खाली संस्कृत की गरिमा घट गई, संस्कृत को माँ के स्थान को बहन बना दिया। नहीं, तो बहुत बड़ा फर्क पड़ा, सारी दुनिया के इतिहास को फर्क पड़ गया। क्योंकि दुनिया में जितनी भी सभ्यताएं हैं उनका अगर प्रॉपर इवैल्यूएशन करना है तो वो उनकी भाषा के द्वारा, क्योंकि बाकी दूसरी चीज़ें तो नष्ट हो जाती हैं। तो उनके मॉन्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, आर्ट अफेक्ट्स होते हैं, ये सब नष्ट हो जाते हैं, लेकिन भाषा से पता लग जाता है कि इन लोगों की एंसेस्ट्री क्या है। तो संस्कृत उनकी भाषा में थी तो ये प्रमाण करता था कि उनकी एंसेस्ट्री जो है भारत की वैदिक सिविलाइजेशन थी। तो जब उनको उन सभ्यताओं को, उन भाषाओं को उन्होंने संस्कृत से काट दिया तो क्या हो गया, उनकी एंसेस्ट्री ओपन हो गई और उन्होंने अपनी एंसेस्ट्री दुनिया भर का बता दिया। किसी ने सेल्टिक बता दिया, किसी ने कुछ भी बता दिया, क्योंकि वो लोग सब चाहते थे कि वो नहीं दिखाएं कि भारत उनका मदर कल्चर है। इस तरीके से उन्होंने बहुत बड़ा मैनिपुलेशन किया और आज तक हम लोग इसको भुगत रहे हैं। तो अब आप लोग का क्या विचार है, आप लोग भी इसके बारे में चिंतन करिए, अपना कमेंट्स और फीडबैक मेरे साथ शेयर करिए। और जो दूसरी बातें हैं वो हम लोग अगले वीडियो में शेयर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।